देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस है। ना तो लगातार बैठकों में कोई नाम तय हो पा रहा है और ना ही पार्टी का कोई बड़ा नेता खुलकर मीडिया के सामने किसी का नाम लेने को तैयार है। इस बीच अब पार्टी की वर्किंग कमेटी के सदस्यों से राय मांगी गई है। सभी महासचिवों से बंद लिफाफे में चार चार नाम मांगे गए हैं और कई नेताओं ने नाम भेजने शुरू कर दिए हैं। अब खबर यह है कि जब सब महासचिव चार चार नाम भेज देंगे तब संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हर एक सदस्य से फोन पर अलग अलग बात करेंगे और इसके बाद जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। मतलब पार्टी के अंदर अगले अध्यक्ष को लेकर ऐसे तैयारी चल रही है जैसे कोई सीक्रेट काम किया जा रहा है, जबकि होना चाहिए था कि हर सदस्य एक मेज पर बैठते और अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगाते। लेकिन कांग्रेस में कला इतनी है कि एक दूसरे का नाम लेने में ही कांग्रेसी नेता डर जाते हैं। राहुल गांधी इस्तीफा दे चुके हैं और पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी इस्तीफा दे रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है ये मौजूदा वक्त में समझ से परे है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पार्टी खुद एक सोच के साथ नहीं खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।